दक्षिण अफ्रीका में भारत के अनेक प्रदेशों से लोग जाकर बसे थे। इनमें कुछ स्वतंत्र मजदूर थे, कुछ गिरमिटिया मजदूर, कुछ छोटे सरकारी नौकर और कुछ व्यापारी। इन्हीं व्यापारियों में एक थे दादा अब्दुल्ला, जिनका वहां काफी काम फैला हुआ था। उनके एक मुकदमे के सिलसिले में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। एक दिन जब गांधी जी ट्रेन से चार्ल्सटाउन जा रहे थे, तब उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जीवन दिशा ही बदल दी। उस समय रेलगाड़ी नेटाल की राजधानी मोरिसबर्ग स्टेशन पर पहुंची। गांधी जी पहले दर्जे में सफर कर रहे थे, उनके पास टिकट भी था, लेकिन अंग्रेज रेल अफसर ने उन्हें डिब्बे से उतरकर तीसरे दर्जे में सफर करने के लिए कहा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और उसे प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाकर बोले, मुझे इस डिब्बे में सफर करने का कानूनी हक है। गांधी जी का विरोध देखकर उस अंग्रेज अफसर ने एक सिपाही से न सिर्फ गांधी जी का सामान नीचे फिकवा दिया, बल्कि उन्हें भी धक्के देकर नीचे उतरवा दिया। दरअसल इसी क्षण गांधी जी को अनुभव हुआ था कि गोरे लोग काले लोगों से कितनी नफरत करते हैं। मुझे जो तकलीफ मिली है वो तो ऊपरी है, पर ये रंग भेद तो एक महारोग है। इसे मिटाने की शक्ति अपने में हो तो मुझे उसका उपयोग करना चाहिए, फिर चाहे जो भी कष्ट आए उन्हें सहना चाहिए। रेल तो जा चुकी थी। गांधी जी ने तुरंत रेल के मैनेजर को तार दिया, दादा अब्दुल्ला को भी तार दिया और उन्हें सारी स्थिति बताई। आखिर अगले दिन जब दूसरी गाड़ी आई, तब गांधी जी चार्ल्सटाउन पहुंचे, लेकिन प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही बैठकर। चार्ल्सटाउन से जोहान्सबर्ग की यात्रा गांधी जी को एक सिक्रम में करनी थी। सिक्रम वाले ने उन्हें कुली समझकर अंदर नहीं बैठने दिया, बल्कि कोचवान के पास बिठा दिया। थोड़ी देर बाद सिक्रम कंपनी के उस गोरे को सिगरेट पीने की इच्छा हुई, तो उसने गांधी जी से कहा, तुम नीचे बैठो, क्योंकि उसे कोचवान के साथ वाली सीट पर बैठना था। गांधी जी अब बर्दाश्त नहीं कर सके। एक तो अंदर बैठने नहीं दिया, फिर कहता है कोचवान के पैरों के पास बैठो। उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या था, वो अंग्रेज आग बबूला हो गया। उसने गांधी जी पर घूं से थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। गांधी जी के जी में आया कि उस गोरे की दाढ़ी नोच लें, पर वो सिक्रम के सींचे मजबूती से पकड़े रहे। उस गोरे ने बहुत खींचतान की, पर वो उन्हें वहां से हटा नहीं पाया। बाकी अंग्रेज यात्री ये सब देख रहे थे। उनमें से एक बाहर आया, उसने सिक्रम के मालिक को बहुत डांटा फटकारा। मामला तो शांत हो गया, परंतु गांधी जी के मन में रंग भेद नीति के खिलाफ एक और विचार छोड़ गया। जब मुकदमे का काम खत्म हो गया तो गांधी जी भारत वापस आने को तैयार थे, पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा ने उन्हें परेशान कर दिया था। उस दिन मोहनदास करमचंद गांधी को विदाई देने के लिए सभा आयोजित की गई थी। अब्दुल्ला सेठ ने कहा, इन्होंने यहाँ मुसीबतें झेली और भारतीयों के दुख दर्द को जाना है और समझा है। अभी कुछ देर पहले एक अखबार के कोने में छपी इस खबर के बारे में मुझसे बात कर रहे थे, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की काउंसिल में चुनने का जो हक हासिल है वो छीन लिया जाए। इस विषय पर जो बिल पेश किया गया है उस पर असेंबली में बहस हो रही है, और अब मिस्टर गांधी कहते हैं कि अगर ये कानून ज्यों का त्यों पास हो गया तो आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ देह होगा। ये तो हिंदुस्तानियों की हस्ती मिटाने का पहला कदम है। फिर तो सभा में चारों ओर से आवाजें उठी, अब्दुल्ला भाई मिस्टर गांधी को रोक लीजिए, रोक लीजिए, मिस्टर गांधी हमें ऐसी मुसीबतों से बचा सकते हैं। आखिर गांधी जी एक महीने रुकने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक याचिका तैयार की जिसमें इंग्लैंड के सम्राट से प्रार्थना की गई थी कि वो विधेयक को स्वीकृति न दें। उस पर हजारों भारतीयों ने दस्तखत किए थे और ये याचिका सम्राट ने स्वीकार कर ली। अब तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रोकने की पूरी कोशिश होने लगी। फिर
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्याओं के लिए लड़ने लगे। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उनके नेतृत्व में भारतीय समाज में एकता आने लगी। केप टाउन और ट्रांसवाल में भी नेटाल कांग्रेस की तरह संस्थाएं स्थापित हुई। तीन साल बाद सन 1896 ईस्वी में गांधी जी को लगा कि दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंगभेद नीति के कारण भारतीयों पर होने वाले जुल्म के लिए लड़ने में उन्हें समय लगेगा, इसलिए वो अपना परिवार लेने भारत लौटे। परिवार सहित जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो नेटाल बंदरगाह पर गोरे लोगों की भारी भीड़ उनका विरोध करने के लिए जमा थी। काफी देर तक अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो जहाज पर ही चढ़े रहे। कस्तूरबा और बच्चे तो किसी तरह रुस्तम सेठ के यहाँ सुरक्षित पहुंच गए। बाद में जब लोग इधर उधर हो गए तो एक अंग्रेज अफसर मिस्टर लाटन गांधी जी को अपने संरक्षण में लेकर बाहर निकले, लेकिन किसी ने पहचान लिया और फिर उन पर घूसों, थप्पड़ों, लातों का हमला हुआ। तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर अलेक्जेंडर ने एक पुलिस टुकड़ी भेज दी, जिसने गांधी जी को घेर लिया और भीड़ के हमले से बचाकर सुरक्षित ले गई। अगले दिन गांधी जी को उपनिवेश मंत्री मिस्टर चैम्बरलेन का तार मिला कि वो हमला करने वालों पर मुकदमा चलाएं, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे गोरे लोग बहुत शर्मिंदा हुए। सन 1904 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। सन 1906 में वहां विद्रोही जुलू लोगों पर पुलिस ने जुल्म उठाए। घायलों के अस्पताल में चिकित्सा भी नहीं की गई। तब ये काम गांधी जी ने अपने ऊपर ले लिया, घायलों का उपचार किया। कुछ समय बाद ट्रांसवाल की सरकार ने एक कानून घोषित किया कि हर भारतीय स्त्री पुरुष जो ट्रांसवाल में रहता है उसको अपनी रजिस्ट्री करानी होगी और एक प्रमाण पत्र लेना होगा जिस पर शरीर के खास चिन्ह पहचान के लिए लिखे जाएंगे। गांधी जी ने बताया, मेरी जानकारी में दुनिया के किसी हिस्से में स्वतंत्र आदमियों के खिलाफ ऐसा कोई कानून नहीं है। कानूनन उंगलियों की छाप तो अपराधियों से ली जाती है। सभा में लोग उत्तेजित हो उठे, वो गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें शांत किया और बोले कि हमें शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाना है, चाहे हमें कितने ही कष्ट क्यों न झेलने पड़े, क्योंकि यदि इस कानून को हमने लागू होने दिया तो फिर ऐसा कानून सारे दक्षिण अफ्रीका में बनाया जाएगा। गांधी जी और अन्य नेताओं ने परमिट दफ्तर पर धरना दिया, गिरफ्तार हुए, पर एक हफ्ते बाद जनरल स्मट्स से बातचीत होने के बाद सभी छोड़ दिए गए। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रति कुछ अंग्रेजों में सहानुभूति की भावना भी थी। उनमें से एक थे मिस्टर केलनबेक। उन्होंने बहुत बड़ी जमीन गांधी जी को दे दी, जहां गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। जिन दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड में उनके काम की जानकारी प्राप्त करने पर कहा था, ये आदमी भविष्य में भारत का नेता होगा। सन 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए। 15 दिन घूम घूम कर वहाँ की सारी जानकारी प्राप्त की और भारतीयों से कहा, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार रंग और जाति भेद की नीति अपनाकर टिक सकती है। इस काले कानून को हटाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी की शक्ति को भी पहचान लिया था। भारत में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहा था। गोखले ने तब गांधी जी से कहा था, अब आपको एक साल के अंदर भारत लौटाना चाहिए। इधर भारत में कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी के संघर्ष को अपने अधिवेशनों में नैतिक समर्थन प्रदान कर रही थी। ब्रिटिश सरकार भी ये बात समझती थी कि भारतीय कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका के प्रति पूरी तरह चौकन्नी है और उसके लिए विश्व जनमत का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। सन 1909 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में
लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उसमें अन्य प्रस्तावों के साथ दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी एक प्रस्ताव पास किया गया। ये कांग्रेस मिस्टर एम के गांधी तथा उनके वीर और निष्ठावान साथियों को हार्दिक प्रोत्साहन देती हुई प्रत्येक जाति और धर्म के भारतवासियों से अनुरोध करती है कि दक्षिण अफ्रीका के अधिकार युद्ध में लड़ने वाले वीरों की सहायता के लिए जी खोलकर आर्थिक सहायता दें। भारत लौटने पर गोखले ने कांग्रेस अधिवेशन में तथा भारतीय नेताओं को वहां भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी दी तथा जुल्म करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास कराया। उधर दक्षिण अफ्रीका में गोखले के आने से वहां के भारतीयों का उत्साह बढ़ गया। गांधी जी ने अभी भारत वापस आना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे गोरी सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने आंदोलन और तेज कर दिया। इन्हीं दिनों केप टाउन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि दक्षिण अफ्रीका में हुए वो विवाह जो ईसाई धर्म के अनुसार नहीं हुए हैं गैर कानूनी समझे जाएंगे। इस फैसले ने आग में घी का काम किया। अब महिलाओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। टॉलस्टॉय आश्रम की महिलाएं अपने गोद में बच्चों को लिए निकली। कस्तूरबा गांधी भी साथ थी। आंदोलन के लिए निकलते समय उन्होंने गांधी जी से कहा, मैं हिम्मत हार कर चली आऊं तो आप मुझे ना अपनाए। मेरी लड़की कष्ट सह सकते हैं, आप लोग सह सकते हैं, और मैं अकेले ही नहीं सह सकती। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। उन सब महिलाओं को जेल में बंद कर दिया गया। महिलाओं के जेल जाने पर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों में नई चेतना आई। भारत में भी नेता चिंतित हुए। इस बीच गिरमिटिया मजदूर यानी मालिक के पास एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूर भी अपनी तकलीफें लेकर गांधी जी के पास आए। वो हजारों थे। गांधी जी ने सोचा कि इन सब को ना तो वो रख सकते हैं ना खिला सकते हैं, इसलिए ये लोग काले कानून तोड़ें और जेल जाएं। उन्होंने इन 5,000 मजदूरों को जेल में होने वाली परेशानियां समझा दी। फिर भी वो सब नेटाल से ट्रांसवाल की पैदल यात्रा पर चल पड़े। अपने अधिकारों की मांग के नारों के साथ साथ गांधी जी जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। गांधी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी जी जिंदाबाद। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार वहां रहने वाले भारतीयों की नई चेतना जो आंदोलनों का रूप धर कर सामने आ रही थी उससे बहुत परेशान थी। ट्रांसवाल पहुंचने पर गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पूरे जुलूस को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की इस गिरफ्तारी की खबर जब भारत पहुंची तो सभी ओर क्रोध की लहर छा गई। उस समय के वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग ने सार्वजनिक रूप से दक्षिण अफ्रीका की सरकार की निंदा की और सत्याग्रह को ठीक बताया। उन्होंने अपना एक विश्वस्त सरकारी कर्मचारी वहां के भारतीयों की मदद के लिए भेजा। इसी बीच दीन बंधु एंड्रयूज और पियर्सन भी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। इससे समझौते की बातचीत संभव हुई और प्रवासी भारतीयों के संघर्ष का संतोषजनक अंत हुआ। आखिर 18 जुलाई 1914 को गांधी जी ने हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। ये बात अलग है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार आज भी रंगभेद की नीति को अपनाए हुए है।